बीमारी के ठाकर मेरे को मचाते इनम तो मैं मर जाऊं तो ठीक है ए गोरी अरे गोरी थोड़ो हौसलो राख हौसलो राख तू मर गई तो ले रू मेरो के होवे गो कदी ना कदी आप बीमारी तो ठीक हो ही जावेगी एकर बस मन्ने थोड़ो काम लाग लेन दे फिर मैं तेरो शहर में ले जाके बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा केठा ओ परमात्मा अपनी कितनी परीक्षा लिया गो केठा गरीबां की कद सुनेगो अब तो मने सांस ही ओखा ओखा है तू थोड़ो जी ने टिका ले मैं जाऊं कि ना काम मिलेगो तो अगर मने काम मिल गयो नहीं तो मैं अथर ने तेरी दवाई भी ले आऊंगा तू ले रू आप गो ख्याल राखी हे जाओ मेरी चिंता ना करो जागे कोई काम धंधो ढूंढ लियो दवाई ले ली टाइम सिर हाँ ठीक है दवाई वो की आराम आ जाएगा तने मैं जाऊं हाँ मैं ले ली सुन चल ठीक है ध्यान रखी आपको ले रो हाँ ठीक कैसे हो ठीक हो बेटा जो टाइम पास हो रहा है और बेटा जुमरी ठीक है तू हाँ बढ़िया बस बेटा परमात्मा को शुक्र है और बढ़िया गर्गो तो तने बेरो ही है बेटा जुमरी था ही है तने कोई नहीं भगवान कर सी ठीक और बड़े दिन बाद आया अंकल जी बस बेटा ये ही है अब नहीं एक कप चाय पिला दे बढ़िया सी तेज पत्ती की थार मन पसंद चाहिए भी बोलो ना देखो अभी बस जुमरी जी अब एक ना बड़ी ऐसी कड़क अंकल के मतलब की चाय बना दे तू हाँ बनाओ हाँ लो अंकल जी आपकी चाय आ रही है बड़ी ऐसी मस्त मैंने बोल दी है अरे लिया बेटा चाय बेटा चाय लिया अंकल के लिए बन गई तो शरीर टूटने लाग रही आज तो ये लो अंकल आ गए आपकी चाय ले आ बेटा जुमरी चाय चाय तो बढ़िया बना रखी है नी तो अंकल जी आपकी पसंद का पता है बनाएंगे कैसे नी सरपंच जी राम राम हाँ राम 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 सरपंच जी राम राम जी राम राम हाँ बहुत बढ़िया बड़े दिन बाद गेड़ा लगाया बस ये ही है काम धंधे चलन लाग रहे गांव में और बताइए क्या सेवा करे हाँ मैं बैठे हूँ आज थे हाँ ठीक है और सुना मटरू किया मुंह लटका के बैठे हैं अब थाने के बताऊं सरपंच साहब मेरे घरवाली की तबीयत हर रोज बिगड़ती जावे बस मने बहरी चिंता सतावे बहुत चिंता सतावे तो फिर तू बिन्ने शहर ले जा कोई अच्छे से डॉक्टर ने दिखा
कोई डंगू इलाज तो हो जाएगा बापड़ी का। सरपंच साहब जिका शहर का डॉक्टर है नी, बे मेरी औकातू बारह है, मैं तो दो वक्त की रोटी को जुगाड़ बड़ी मुश्किल हूँ करूँ, शहर के डॉक्टर ने मैं पीछा कटे से दे दूंगा। तो फिर भी ने मरण दे ठीया किया बोलो सरपंच साहब। अरे मैं तो एकदम सही कहूँ, और तेरे के नी पीसा तो है को नी, और इलाज तू करवा को नहीं सका, मान लो तू इलाज करवा भी दियो तो कितना के दिन काटेगी बवापड़ी, साल ही काटेगी। आ ना बोलो सरपंच साहब थी, मेरो मेरे घरवाली के बिना ये दुनिया में है कौन? थे गांव का सरपंच हो और मैं आपके टाइम को मशहूर मिस्त्री हूँ, थे चाहो तो मैंने काम भी दिला सको। अरे मटरू अब तने कौन काम पर रखेगा, अरे तेरी हालत तो देख, चालती बारी नहीं तो तेरी टांगा कांप है, और तू के मकान बनावेगा। अरे मटरू अब तो तू तेरी लुगाई खातर घर जाके दाल बना, तू मकान को नहीं बना सके, और वैसे भी तेरी उम्र 60 सालों ऊपर हो रही है, अब तेरी उम्र आराम करने वाली है, काम करने वाली कौनी। सरपंच साहब थे रहन दो, मटरू का को बुढ़ा हो गया है, मतलब वो कोनी ये काम कोनी कर सके है, थे बहाना क्या मिलियो, सिद्धू ही कह दियो बिकाके इन काम बिरवाणो ही कोनी। चुप कर जोमरी, जब दो आदमी आपस में बैठ के बाता करे नी तो बीच में कदी बोलना नहीं चाहिए, आई बात समझ में के? एक उपाय तो है मटरू, अगर तू माने तो तेरी घरवाली का इलाज भी हो जाएगा, और तेरे हाथ में की ना की पीसा भी आ जाएगा। तो तावल करके बताऊं नी सरपंच साहब, मैं आपके घरवाली खातर सह की करने तैयार हूं। तो सुन, तेरा घर काफी जमीन में है, तू तेरा घर बेच दे, तेरी घरवाली का इलाज भी हो जाएगा और पीसा भी आ जाएगा सागर तेरे हाथ में। चलो घर तो तू बेचे ही गा, कनी और ना क्या मी बेचे, तू मन्ने बेच दे। तो थारो कहने को मतलब है सरपंच साहब मैं आप गो घर बेच दियूं? हाँ अब भाई है मेरे लिए बात तेरे खाने में, हाँ बेच दे। पर सरपंच साहब मैं आपको घर की कीमत पर ही को नहीं बेच सकूं, वो मेरा बाप दादा की निशानी है सरपंच साहब। अच्छा निशानी है, अरे इसी निशानी ने के फूंकनो है के जिकी तेरे काम में ही ना आवे। और सुन एक बार और सोच ले, मैं तेरा घर बढ़िया पैसा दे के खरीद लूंगा, थोड़ा सोच ले, टाइम ले ले, कोई बात को नहीं, बाकी तेरी मर्जी। सरपंच साहब मैं मेरो घर की कीमत पर ही को नहीं बेचूं, हाँ घर बेचन को ध्यान मेरे में आ भी जान तो नहीं तो मन्ने मेरो घर मेरा घर वाली को नहीं बेचन देती, क्योंकि बिंगी यादा है नहीं मी घर सा घर जुड़ रही है। के क्या है तू यादा है के घर वाली की? तो सुन तू यहाँ कर, तू वह यादा ने नहीं बाजार में जाके बेचा, और फिर बिंगो इलाज करवा ली। मटरू काका जी छोटो ना करो, भगवान पर भरोसो रखो। हाँ बेटी जुमरी अब तो भगवान पर ही भरोसो है, बस जुमरी बेटा बिना भरोसे ही तो अब तक जीऊं, बिना भरोसे पर ही रहूं। जुमरी अब मैं के बताऊं बेटा जुमरी, मने लोग बुड्ढो कहने लग गया, मेरे कनु लोग का ताना सुनी जे कोनी बेटा, लोग मने बुड्ढो कह, पर मेरे शरीर में आज भी इतनी जान है, मैं इसो डिजाइन बना सकूं, इसो काम कर सकूं,
आज का मिस्त्रियां कोनू होवे कोनी, बस एक मौका है गो इंतजार है बेटा, एक मौका मिलता ही मैं सो डिजाइन बना दूंगा, सो डिजाइन बना दूंगा, सारा को मुंह बंद हो जाएगा। मैं आज भी बहुत बढ़िया कारीगर हूँ, बहुत बढ़िया कारीगर हूँ बेटा। कोई नहीं बटू काका जी, छोटा ना करो, जरूर मिलोगे वो मौको, ठीक है? दिन घर देर है पर अंधेर को नहीं, सुना को जरूर बता रही। काका मंगल सीट है नी आपकी, कोठी तैयार करन लाग रही है, ठीक कर जागी बांग सागे बात करगी तो देखो केठा थार पर भरोसो करगी भी थाने काम दे ही देवे, क्योंकि काका मंठा है, थार नु शाड़ो मिस्त्री गम में कोई कोनी। अरे काका थे मेरी मानो नी तो एक जागे भी सेठ सागे बात तो करगी देखो। शायद तू ठीक है बेटा, मैंने भी सागे जागे बात करनी चाहिए, मैं जाऊं मंगल सेठ सागे बात करके देखूं, अगर वो मैंने काम पर रखा है तो भी वो भलो थी। बेटी चंदा मैं चाह का पीसा बाद में दूंगा बेटा। अरे के बात करो काका, तारो ही होटल है, कार जब जी करे चंदा आ सको थे, इसी बात ना करो। बस बेटा गिनती रह, ठीक है बेटा, दिल छोटा ना करो, सब भी बलियो आगो। लगे तें आज दवाई ली को नहीं, थोड़ी दवाई ला, दवाई पी। मन्ना बता तू आ दवाई ली क्यों को नहीं आज? थोड़ी दवाई मैं करियो, दो टाइम भी लेने की बजाय थोड़ी है दवाई एक टाइम भी ले लूं, बिया भी मेरी रोज रोज की दवाई है, मैं तो तंग आ गई दवाई। तू तो अच्छी तरह जाने गोरी, तू दवाई ना पिए तो तने खांसी आने लग जाए, तू आपको अच्छी तरह ख्याल रख, और तने ठा है तेरे बिना मेरे है भी कौन। हे जद लोगा कनु मेरी दवाई खातर पीसा मांगो नी, मने जमा ही अच्छो कौन लगे, और मने ई बात को भी पतो है थे लोगा कनु मेरी दवाई खातर कितो कर्जो ले रखियो है। अरे तू चिंता ना कर गोरी, मैं सारे कर्जे ने एक ही झटका में उतार दूंगा, बस मने काम मिलन की देर है। हे जद बारे गया नी तो थारे लारू तीन चार जन आया पीसा मांगन खातर। अरे तू चिंता ना कर गोरी, उड़ा उड़ा सारू की ठीक कर दूंगा मैं। मेरी बात सुनो, थारी गैर हाजरी में गांव को सरपंच भी आयो, यहाँ कह ओ घर बेच दियो। सच पूछे नहीं तो गोरी, कदी कदी मेरे मन में भी आई बात आवे। ना ना इसो काम थे भूल के भी ना कर दियो, ई घर में तो मेरी यादा जुड़ेड़ी है। बस आई थारी बात मेरे सामने आगे खड़ी हो जाए। थे चिंता ना करो, थे थारे जमाने का मशहूर मिस्त्री हो, बस थाने काम मिलने की देर है। अरबिया थाने कोई काम मिलियो के आज? ना गोरी, मने आज भी काम को नहीं मिलियो, बाकी मने कालू बताओ
कह मंगल सेठ है नी जी को कोठी गालन लाग रहे है क्या बैठा जाके बेरो पाड़ के बेरो काम मिली जावे तो थे जाओ मंगल सेठ कने जाके काम की बात करो तू आपको ध्यान रखी मैं जाऊं बस भी कने और आ दवाई रेडी है नी तो अब ज्यादा इन्ने बिन्ने हाली ना सो जा चुपचाप सो जा थे मेरी ना चिंता करो वरना की कोनी होवे अब दवाई मेरी लेडी है ये तावला तावला जाऊं जाके काम की बात करो के ठा काम ही लीजिए सुने को भगवान और तू मेरो ख्याल रखी आप को बात तो थारे समझ आ गई होगी सारी हाँ जी आ गई अब तन्ने और दिखाऊं आगे चलो चलो जी बस समझ गया ना सेठ जी ई घर के इंजीनियर सागे रखूं टेंशन ना लियो अरे वो तो थारी बात ठीक है काम की टेंशन तो मैंने होगी ना सेठ जी राम राम अरे राम राम मटरू किया है घर में कुशल मंगल तो है सब आज हमारी किया याद आ गई तन्ने अरे थारी लगाई तो कोनी मर गई सेठ जी आके बोलो थी मन्ने लग गयो थारे घर वाली मर गई और बिंगे संस्कार खातर ना थाने पीछे की जरूरत पड़ गई यहाँ लग गया मैंने तो अब मैंने ठा लग गई तेरी लुगाई जीव है और तने बिंगी दवाई खातर पीसा चाहिए पीसा अरे मटरू तूने सारे गांव से उधार ले रखे अरे वापस पीसा किए देगा तू बस शेर जी मैं सारा गो कर दे उतार दूंगा बस एकर मने काम लागन की देर है फिर तू काम देखो के तने किसी ने काम पे लाख लियो के बस सेठ जी मैं तो काम की तलाश में ही आया हूं बस एकर काम लागन की देर है मने काल कालू बतायो के मंगल जी सेठ एक अठे आलीशान कोठी गालन लाग रहा है अगर थे मने काम दे दियो नी तो मैं थारी कोठी में इसो डिजाइन बनाऊंगा इसो डिजाइन बनाऊंगा पूरी दुनिया खड़खड़ के देखेगी मैं अपने टाइम को मशहूर मिस्त्री रेड़ो हूं सेठ जी अरे तेरा दिमाग तो ठीक है मटरू मैं जहां अलीशान कोठी बनान लाग रही हूं कोई बांसा की झोपड़ी कोनी तू सोचे मैं तने काम पे रख लूं अरे ये बंदा थाने दिखा कोनी के एक ने मेरी कोठी का डिजाइन पास किया है और दूसरा उसको तैयार करेगा अरे तू के चावे अरे ये काम थारे हाथ में दे के मैं करोड़ों का नुकसान कर लूं अरे तूने यह सोच भी किया लिया और तेरे पर भरोसा भी कौन करे सेठ जी थे एक कर मेरे पर भरोसा तो करके देखो मैं थाने कभी निराश को नहीं होने दूं अरे ओ मटरू इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार मार यहां से बाहर निकालूं अपने आप चला जा नहीं तो गांव वाले सोचेंगे कि इस सेठ ने इस बूढ़े पर भी तरस नहीं किया चल
अरे चला तू, क्या देखता तू बिटर बिटर। चल रे थे चाय पियांगा, दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। सही बात है सेठ जी, आपने सही किया, ये बनाएगा कोठी। बना लिया इसने बंगला। वैसे मिस्त्री अगर टाइम का है, ये काम मांगने आ गया। चलो चाय पियांगा इंजीनियर साहब। भगवान इसो के माड़ो कर दियो, मैं इसो के माड़ो कर्म कर दियो, मैं एक मेरे खतरी काम को नहीं। हे भगवान तू तो सगड़ा में पाला है, गर्गा मेरा बीमार है, मैं जठे भी जाऊं मैंने काम को नहीं, धक्का मिले भगवान धक्का मिले। पर क्यों मेरे में आज भी इतनी ताकत है कि मैं आज का जमाने का मिस्त्री हूं, अच्छू काम कर सकू भगवान, मैंने एक मौको दे दे भगवान, मैं सगड़ा को मुंह बंद कर दू भगवान, सगड़ा को मुंह बंद कर दू। अब करूं तो के करूं मैं। एक बात और सुनो मेरी, मैं जिकी थाने बात बताई है, बा मेरी बात मान लियो। सर जी थारे दिमाग में क्यों कोनी बैठा है, इतना पैसा देंगी गंजेस कोनी मेरी। तो ठेकेदार जी थाने कितना पैसा तो देने लग रही हूं, थे मानो मेरी बात है। इतना पैसा काम कोनी होए जी, तो कितना पैसा देऊं? लाडली कोठी कितना दिया? इतो बजट कोनी। एरियो बता दिए इंजीनियर साहब जी, मेरा ठेकेदार जी पढ़ तो कौन ही पढ़ा। राम राम बेटी चला, थाने मैं पहले भी कहो मेरे कौन ही काम हुआ। काम तो करना ही पड़ेगा, बजट कौन बैठा है आई बात समझ में। एरियो कितो बड़ो है वो? ओहो एरियो है तो काम है, और पीछे कई चीजें मिलने लग रही है। अरे बेटा ये लड़क क्या मी है? अरे काका मैं बताऊं थाने बात, वो जो को स्पेशल टर है नी वो तो राकेश है, और वो जो को कोटा तो दिखे नहीं पर ना वो गौरव है। राकेश तो इंजीनियर है और गौरव ईश्वर को बहुत मोटो बिजनेसमैन है। ये गौरव कन पहला बिल्डिंग बनाने खातर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलियो तो वो राकेश पे ना तो आ भर दी और अब वो आना कानी करन ला रही है। पर यहां करियो क्या बेटा? अरे मटरू काका राकेश वो कहना है भी गौरव जिसी ब्रीडिंग बनवाना चाहे नहीं बस नामुमकिन है, क्योंकि इसी तकनीक तो अपने हिंदुस्तान में ही कोनी। अरे हिंदुस्तान में के हिंदुस्तान बाहर ही कोनी। और थे तो को ए इंजीनियर है काका? इंजीनियर है, जादूगर थोड़ी है। तो आ बात है देना, ज्यादा गर्मी ना तो आओ बैठ के चाय पियो। आ जाओ। अरे किसी चाय है यार? अरे बैठ चाय पिया। मैडम जी दो कप चाय बना दो। बैठो बैठो बना। दो कप चाय।
भाई साहब थे आपस में लड़ो क्या भी हो, मैंने अचार छोरियां सारी बात बता दी। है के बात बता दी? आई बात के दिखी, गौरव जी बिल्डिंग बनवानी चाहे नहीं तो मैं कम बजट में आ बिल्डिंग बना सकूं। अरे बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग, कोई घर को नहीं बनानो। समझू मैं थारी बात समझू, घर है जिको एक दो मंजिल को हो जाए, बिल्डिंग चार पांच मंजिल की हो जाए, बात तो भाई है। अरे ओ बुड्ढा कितनी पढ़ाई कर रखी है तैं? साहब मैं तो स्कूल की शक्ल तक कौन देखी, पर मैं नहीं आपका टाइम वो मशहूर मिस्त्री रेड़ो हूँ और आज भी हूँ। अरे मैं पागल आके, अरे हमारा बड़े बड़े कोठे का काम चल रहा है समझे के, और तू बजट को मतलब जाना है, बजट के हुआ है पीसा काम को बजट। मैं नहीं यूं कम बजट में क्यों बढ़िया कोठी तैयार कर सकूं। या मेरो थारे पर यकीन करने वो दिल करे, मेरो इड्डो बड़ो प्रोजेक्ट है, कोई हाथ भी तो रखना चाहे और थे बिना सोचा समझा मेरो प्रोजेक्ट लेने लग रहे। बिया प्रोजेक्ट थाने देने में हर्ज भी किया है। अरे सर जी तेरी कंपनी में डूबेगी और तेरा पीसा भी डूबेगा, केंग बात माया वे राकेश है, मार्केट में जाके मेरो नाम पतो करी बैठा है, मेरो कदी आइडियो गलत कौन जावे, बहुत साल हो गया वो काम करता और मैं आदमी ने एक मिनट में पहचान लियू कि मैं टैलेंट बहुत है, वो काम भी करे वो और मेरा पैसा भी बचाओ कम बजट में जी, मैं थाने आपको काम देने खातिर तैयार हूँ। तो ठीक है साहब काल काम शुरू। ठीक है अंकल जी, और मैं थाने नक्शो दे दियो, आ लियो देख लियो नक्शो थोड़ा सो आंखा मगर काट लियो, ना समझ आओ तो मैं पूछूंगी। अरे बेटा सारी उम्र काम से करे वो तो समझ ले, सारी बिल्डिंग तैयार होगी, वो नक्शो वरा तो आप जा करना है, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है अंकल जी। ठीक है बेटा ठीक है। बेटा काम मिल गयो? मिल गयो? हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, भगवान सुन ली अपनी। हाँ मैं कहीं बनी भगवान है, बड़े देर है अंधेर को नहीं काटा, अपनी जीत का बस, अब दिल सीधा आ जाएगा बेटा। बढ़िया बात है। ठीक है बेटा। राम राम सेठ जी। राम राम जी, राम राम जी। और जय नाश्ता हो रहा है? हाँ जी। अच्छा करो करो, और ठीक है परिवार? हाँ जी सब ठीक। आओ सेठ जी अंदर आओ। चलो आओ सेठ जी आओ। देखो कोठी। अरे वाह रे इंजीनियर साहब मौज लगा दी। अरे जो बात मैंने सोची थी ना उससे इक्की होगी बात आपकी, बहुत शानदार कोठी है बहुत शानदार, मेरा तो जी से लाग गयो। अरे इंजीनियर साहब
अब मैंने यहाँ बताओ कोठी तैयार होने में अब और कितना दिन लगेगा? दिन तो सेठ जी थोड़ा ही लगेगा, बाकी आप मिस्त्री साहब ने और पूछ लिया कितना दिन और लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, कौन है मिस्त्री बुला, मैं नीचे बैठू, मैं ज्यादा खड़ा कुछ जावे। चल रहे ठेकेदार। हाँ ठीक है सेठ जी, थे नीचे बैठू, मैं ले आऊ बुला के मिस्त्री साहब ने। मिस्त्री साहब है कि नहीं बैठे? मिस्त्री साहब है? ठेकेदार साहब जी, देखा आपने कोठी अच्छी बन गई ना? अरे सेठ जी नकली माल लगाए हुए है। अरे बकवास मत कर, डीएसपी बिल है, सारा कुछ है मेरे पास। हर इंसान अपना पक्ष रखता ही है, क्या बात है। अरे कुर्सी कर्सी मंगवा ले। मंगवाऊं जी? ओ अच्छा है मंगवा। ओए थक गए। आओ मटरू जी, शेर जी थाने बुलाने लग रहे हैं। गौरव जी मेरी बनाई रही आ कोठी शेर जी ने पसंद तो आ गई नहीं? तो क्यों टेंशन ले हो थे, मैं सागे चालू से दी नीचे। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कोठी तैयार की है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग की है। अरे सारी दुनिया देखेगी मेरी कोठी को। ठेकेदार साहब आई पसंद? हाँ जी हाँ जी। ये अंदर से ना वो पटीशन वगैरह भी वो भी करवानी, वो नहीं होती नीचे वाली, मैं तुम पढ़ा लिखा हूँ ना, हाँ जी करवा देना। राम राम सेठ जी। राम राम। अरे इसको कहाँ ले आया तू? अरे सेठ जी यही तो मिस्त्री है क्या? हाँ ये इसने कोठी तैयार की है। हाँ हाँ। अरे ये तो मटरू है मेरे गांव का, इसको कोई काम पे ले जाता है। सेठ जी ओई मिस्त्री है जिगी थारी कोठी तैयार करी है। यही मिस्त्री है? अरे मेरा मन तो नहीं मानता, तू झूठ बोल रहा है। ना ना सेठ जी, आ कोठी आ मटरू जी बनाई है। हाँ सेठ जी आ कोठी मैं ही बनाई है, थे मेरे पर इश्कीर को नहीं करता नहीं, आ सारी कलाकारी मेरी है। वाह मटरू कमाल है, क्या कलाकारी तेरी। अरे मटरू तेरे में इतनी कलाकारी, अरे हमारे को तो आज पता चला है कि तू इतना बड़ा कलाकार है, इतनी अच्छी कोठी डिजाइन की यार, क्या बात है यार, मैं तो गदगद हो गयो। शेर जी मैं तो थाने पहली गयो पढ़ियो लिखो कम हूँ, पर मेरे में जिको दिमाग है नी, आज गए टाइम गए जिका मिस्त्री है नी, बा मैं वो दिमाग को नी, मैं तो यूं ही अलीशान और बढ़िया डिजाइन बनाऊंगा। अजय मैंने 15-20 दिन लग जाएगा, फिर थारी कोठी देखियो दुनिया देखना आवेगी सेठ जी। अरे मटरू तू पढ़ा लिखा कम है तो क्या हुआ, अरे कड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा है तू, तेरे आगे तो पढ़े लिखे भी फेल है। दिमाग तो सेठ जी भगवान की कृपा है, पर अठे तो ईसा मिस्त्री ईसा ठेकेदारी दुनिया में फिरे जिका आधो आध कमाई खाने फिरे। ये बात तेरी मटरू ठीक है। ठीक है सेठ जी, मैंने कोई काम है, लेट हो जाऊं। हाँ जाओ जाओ, फिर लेट ना हो। बस सेठ जी अब तो थोड़ो काम बाकी है, 20-25 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 महीनो ये कोठी में लाग सी, बे बाद ये कोठी न दुनिया देखेगी, जब इनकी रंग रंगाई होगी, अच्छा अच्छा फूल लगेगा, लोग देखना आवेगा सेठ जी, मेरे पर यकीन करियो। थे तो बात यह मटरू, मैं भी थक गया हूँ, मैं जाऊँ। अरे इंजीनियर साहब इतना इनाम नूम दे दियो। मटरू जी थे टेंशन ना लियो, ये पकड़ो 20,000 रुपया इनाम का, और थारी जी की दिहाड़ी बनी है, बिल दिहाड़ी वो दुगनी दिहाड़ी मैं देऊंगा। शेर जी थे ये इनाम का पैसा रख लियो, मेरा जितना बना नहीं, बस मैंने बिता ही पैसा दे दियो। अरे मटरू तू टेंशन ना ले,
तेरी कला को मैंने पहचाना, आगे तेरे को काम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेब में डाल ले इसको, और कंप्लीट काम हो जाएगा ना, मैं और तेरे को नाम दे दूंगा, मैं खुश हूँ तेरे काम से, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कर, तू फोन कर गाड़ी वाले को, गाड़ी लेकर जल्दी है, ड्राइवर पता नहीं किधर निकल गया। हाँ करता हूँ सेठ जी। हाँ मैं जाऊँ गाड़ी के पास, ठीक है चलो, ठीक है, राम राम भाई मटरू, राम 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 राम, चलो ठीक है, अब प्रवास ठीक है ना। हाँ जी ठीक है मटरू जी, थे मैंने खुश कर दियो, वो तो मेरो फर्ज हो गौरव बाबू, काम करनो इंसान को कर्म है, मेरे में बहुत कलाकारी है गौरव बाबू, आगे आगे जिया मौका मिलेगा नहीं, थे मटरू मिस्त्री की कलाकारी देखियो। मटरू जी जिको भी मेरे कने प्रोजेक्ट आओ नहीं, वो प्रोजेक्ट अब थे करोवा, थारा हाथ करवाऊंगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी थारी गौरव बाबू, और आ तो थे बहुत ही बढ़िया करियो, मैं आपकी घराली को ई पीसा इलाज कराऊंगा शहर जाके, जीता रहो गौरव बाबू, थे मेरे पर यकीन करो। थे मटरू जी ना टेंशन लो, रिपिए की ना टेंशन लो, थे थारे जितो रिपियो चाहिए मैं दूंगा वो। ठीक है गौरव बाबू जी, ठीक है, आप तो मेरे लिए भगवान है गौरव बाबू जी। ना 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 गलती थे या ना कहो मैंने, ठीक है बाबू जी, ठीक है मैं चलूं फिर। ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ते आज ही गरीब मिस्त्री की सुन ली। एक तो आग ही बहुत औखी बड़ा है के ठा, तो लकड़ ती गिल्ली है कहीं कोई ओ सास में बीजगी के। अरे बाल ले आ गब्बे, क्या मी धुआं मचा रहा क्यों है, इतनी सौखी बड़ा तो थे बाल लियो, तेरी तो स्पीकर दी आवाज होगी है, ठीक ही होगी, तू तो नहीं अटै पड़ी खू खू करती जद ठीक ही, तो थारे के जी मैं हिमाचला में दूसर गल जाऊं के। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, अब कल है तू मांची पर पड़ गई नहीं, तेरों पहली मैं पड़ जाऊंगा, अब कल है मैं तने सिलेंडर चुल्लो और लेके देऊंगा, अचार के दिन रुक जा तू, पीछे आना रहा अपना। हाँ हाँ ले आते हो, इस तो एडो पा फूट जाएगा बुढ़ापे में। ना टेंशन ले भगवान, ना टेंशन ले, तेरे खतरी कमाऊं तो मैं। कड़ो ही चोखो कमाओ तो। हाँ मटरू जी, ओ मटरू जी गिरा हो गए। अरे कौन है अग्गी ना जा। हैं गुरु बाबू, राम राम मटरू जी, राम राम गौरव बाबू, थे अठे ये बात मटरू जी, मैं ठे आ कौन सू, ना 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 मैं तो पिया क्यों आज थे ई गरीब के घरा। मटरू जी थे गरीबी अमीरी ने छोड़ो, बात यह है मारो जिको बॉस है नी, वो थाने दोनों ने मिलन खातर बुलावे, पर गौरव बाबू थे तो के वो के वो लंदर रेवे। मटरू जी मैं थाने के हो लंदन है बे, पर थे जिकी कोठी बनाई नी, मैं बिंगी कोठी की फोटो खींच के बने भेजी नी, वे नक्शो देख गया रे कौन से क्या, और सीधा ही इंडिया में आ गया, वे करोड़पति का मालिक है, करोड़पति अरबा का मालिक है, ते तो खुश नसीब हो जिका मारा बॉस हूँ, मिलन को थाने मौको मिले। आ बात है नी गौरव बाबू, तो मैं भी सगे जरूर मिलांगा। इया करो आंटी जी और थे दोनों तैयार हो जाओ, दोनों बुलाया स्पेशल है, ठीक है मैं चलू गाड़ी के ने, आ जाओ तैयार हो गए। हाँ अब भी आया थे, चलो हाँ ठीक है, ठीक है आ जाओ। सुन लियो के बड्डो जी को आगो बोस है नी, बड्डो करोड़पति अरबपति बन बुलाया अपने शहर में, बने शहर में बुलाया अपने। हाँ तो ठीक है तैयार क्यों होना है, आप तो तैयार ही चलना दवा दे बावली, यही चलना नाइडा ही आपका के नाड़ो है, चलन तो बाद तालो कुंटो लगा दिया, पर एक बात को ध्यान रखी, बड़ा जागे ये लतर लतर ना करी, चुपचाप सुन बो करी। हाँ हाँ ठीक है, बड़ा लोगांगी बड़ी बात हो है, आई हाँ, बात हाँ, सुन ठीक है देख ले और की।
ना ना ठीक है मैं गेट कर दूं। हाँ कबाड़ बंद कर फिर। अच्छी तो ये कर दे ले रुक बंद करना पड़ जाए। लो मैं करूं। एक गंदूर लगा वो गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हो रहा हूँ। आजू आजू। देख तो मैंने 150 भी लग गया तो मेरे ऊपर लिखा। ठीक हो नहीं आजू आजू। सर आ गया मटरू जी। आओ मटरू जी बैठो। अच्छा तो तू है मिस्टर अजय करोड़ा का अरबा का खरबा का मालिक। मने पेरो तो नहीं तो मैं ठह तो ही को नहीं। मने तेरी शक्ल नफरत है। आके बोलने लग रहे हो थे थाने ठाक हो नहीं किया बात कर करे ठेकी का आगे खड़े हो। ए मिस्टर अजय कुमार है करोड़ा अरबा का मालिक थाने बेरो होना चाहिए बात करने वो। हाँ मैं अच्छी तरह जानू ओ मिस्टर अजय और इस आगे बात करनी भी मैं अच्छी तरह जानू। ओ लोगा खातर वागो करोड़पति अरबापति खरबापति ओ मेरे खातर की को नहीं। ओ जी को लोगा खातर बने फिर है नहीं मिस्टर अजय मिस्टर अजय ओ अजय को नहीं। ओ मेरो इकलौतो बेटो अज्जू है अज्जू। सही कह रहे हो पिताजी मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा बट आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। हाँ हाँ बेटा सही कह तू तने तो काम गए नाम कोई मेरो को नहीं। अब तू 20 साल बाद मिलियो है फिर भी तू झूठ बोलन आ रहे है। और एक झूठ ते अब 20 साल पहला भी बोलियो और तू गरगा कागज गिरवी रख गए और 20 साल लेके बाज गयो और वो घर तेरा बाप इतो ओखो छुटायो मेहनत करके और तै पलट के भी कौन देखियो मैं मेरा माँ बाप जीवे या मर गया लानत इसे बेटा पर। मुझे माफ कर दो पिताजी ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आपसे पैसे मांगता तो आप मुझे पैसे ना देते। मैं आपसे पैसे मांगता तो आप मुझे पैसे नहीं देते। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं सोच रहा था कि ऐसे तो मुझे कुछ बड़ा आदमी बनने में हेल्प नहीं मिलेगी इसलिए घर से कागज चोरी करके गिरवी रख के वहां से पैसे लेके मैं भाग गया और मैंने मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक मैं उसकी सजा भुगत रहा हूं। पिताजी मैं एक भी दिन सुख चैन से नहीं जी पाया। मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन इसके बदले में मुझे सुख चैन और वो खुशियां नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। 20 साल हो गए मेरी शादी को मेरे घर में एक भी संतान पैदा नहीं हुई। मुझे तो पहले ही मालिक ने भगवान ने सजा दे दी। अब आप मुझे सजा मत दे मुझे माफ कर दे पिताजी। दूर हो जा मेरे। कोई बात नहीं माफ कर दो। माफ कर दियो ना गोरी ना मैं इन्हें कभी माफ को नहीं करूं। इंगी बजाऊं मने कितनी बार जलील होना पड़ो ई दीट की बजाऊं मैं कितनी बार बेइज्जत होयो। कोई बात नहीं वो अपनी जमड़ी औलाद है जे आपा इन्हें माफ ना करांगा तो कौन करेगा। इंगे कर्मा की सजा भगवान इन्हें घणी देगी। जे आपा इन्हें माफ ना करियो नी तो भगवान आपा ने कदी माफ कौन करेगो। अरे तने पढ़ायो लिखायो जम्यो अरे तेरो गूंगूत साफ करियो तने बड़ो करियो। अरे ते के सोची ई मां बाप के दिल पर के बीते की कदी सोची।
तन्ने तो मारी याद भी को नहीं आई, तू कहीं मैं माफ कर दियो। कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दियो, बिया भी ई बिना अपनो है कौन, अरे ने इन्हें कर्मा की सजा पहला ही भगवान गणी दे रखी है, वो अपनी एक ही तो औलाद है, आपा इन्हें माफ ना कर सिया तो इन्हें माफ कौन करेगो। बा लोग सच्ची कह करे गोरी, माँ को दिल पिघल जाए, तो तू कह इसी मेरो जी को नहीं करे इन्हें गल सागे लगाने। कोई बात नहीं, अरे बेटा जिका माँ बाप हुआ भी माँ बाप आपकी औलाद खतर बेरोनी के करे, पर औलाद इसी नकम्मी निकल जावे। पिताजी मैं माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान हुई है।